हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सनल के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो। ओके, ऑर्डिनरीनेस, द सोर्स, सॉरो एंड इंटीग्रेशन, फाइटिंग माइंड, हारमोनी, आइसोलेशन एंड मोरालिटी। ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है कंपैरिजन, क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड माइजर। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना अभी पुरानी बातों से बाहर निकलना चाहते हैं, जो पुराना स्टकनेस था उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जितना भी कंजूसी दिखा रहे थे ये पर्सन अपने प्यार की भावनाओं को एक्सप्रेस करने को लेकर के, वो सभी वो यहाँ पर करने वाले एक्सप्रेस करने वाले हैं। और कंपैरिजन तो डेफिनेटली इनका पहले से आप कर सकते हो, पहले जो ये थे अब में फर्क है। एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो अपने पास्ट सिचुएशन से अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, बट अभी उन सबसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी चेंजेस की तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बदलाव यहाँ मुझे दिख रहा है इनके अंदर, लेकिन फ्लो में बहना चाहते हैं, फ्लो में बहना चाहते हैं ये पर्सन। बहुत मोरल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं, दुनिया भर का ड्रामा, मेरे घर में ये नहीं होता, मेरे घर में वो नहीं होता, हमारे यहाँ ये वो, मतलब मोरल वैल्यूज, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, सॉरी सोसाइटी क्या कहेगी, ये ही ये पर्सन करते रहते हैं आपके साथ में। लेकिन अभी ये फ्लो में बहना चाह रहे हैं, अभी इनको यह एहसास ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस इनको अच्छी नहीं लग रही है, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो वो चीजें इनको दिख रही हैं। अभी इंटीग्रेशन का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस ला रहे हैं लाइफ में, बैलेंस लाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर मैंने आपको दूर कर दिया तो कहीं ना कहीं आप चले जाओगे लाइफ से। तो ये बाहर निकल रहे हैं, पुरानी स्टूपिडिटी वाली बातों से बाहर निकल रहे हैं, और ये पर्सन जो है ना एक पॉजिटिविटी लेके आना चाहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स लेके आना चाहते हैं। हारमोनी का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहते हैं अंदर से। माइंड में जितनी भी तरह की फालतू बातें चल रही थी ना, ये सबसे हट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत प्यार दिखाना चाहते हैं, बहुत बहुत प्यार दिखाना चाहते हैं और एकदम फाइट करना चाहते हैं सारी सिचुएशन जो भी इनको लगती है आपके और इनके रिश्ते को खराब कर रहे हैं, ये उस पर फाइट करना चाहते हैं, उनके साथ अगेंस्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, सो इस समय शायद ये बहुत पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ओके, एंड आप मुझे दूसरे चैनल्स पर और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।